नमस्कार, अरुणाचल न्यूज 24 से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर चुने गए ताकम पारियो का एपीसीसी ने किया हार्दिक अभिनंदन। और स्कूलों के एनर्जी क्लब ने मनाया एनर्जी कंजर्वेशन डे। अब खबरें विस्तार से। ताकम पारियो के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नव निर्वाचित लीडर के तौर पर चुने जाने की खुशी में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हार्दिक अभिनंदन के साथ 13 दिसंबर को उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम के अलावा एपीसीसी प्रेसिडेंट ताकम संजय ने आने वाले चुनाव के लिए जोश के साथ पूरी तरह तैयार होने की जोश दिखाई। डोंट काउंट द चिकन बिफोर इट इज हैच्ड। तो हम उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि हम इलेक्शन बैटल फील्ड में हम जाएगा, वॉर में हम जाएंगे। प्रिपरेशन तैयारी जो है हमने ऑलरेडी शुरू किया है और इसी शुरुआत के साथ इलेक्शन का मूड जो है ऑलरेडी बन चुका है और सारे हिंदी हार्टलैंड में पूरा आपका पूरा भाजपा का सफाई हो चुका है और उसी का जो सिचुएशन अरुणाचल में आने वाला है और जो अभी आम आदमी लोग उन्हीं लोगों को वोट देगा जो कभी भी नहीं भागेगा। ऐसा भी यूपीए आ रहे हैं, कांग्रेस आ रहे हैं सेंटर में, अभी सोचता है कि हम वहाँ बीजेपी भी सरकार बना के, कल हम बीजेपी में सरकार बना के जब कांग्रेस आएगा तो हम सीधा यहाँ फिर शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करने से पहले आम आदमी को यही करना पड़ेगा कि कांग्रेस लोगों को ही वोट दे दो और भागने का, आने का, आयाराम गयाराम को बंद करने के लिए जो कांग्रेस कैंडिडेट हम लोग तय करेगा उसी को सीधा वोट देना ही बेटर रहेगा, क्योंकि यूपी वहाँ आ रहे हैं, कांग्रेस का लहर चल रहा है, तो वहाँ भी कांग्रेस सरकार होगा और यहाँ भी कांग्रेस सरकार होगा, तो आयाराम गयाराम और भागने का, आने का, जाने का ये चैप्टर जो है क्लोज हो जाएंगे। अरुणाचल इज द फील्डम, अरुणाचल हैज बिकम द फील्डम ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, आयाराम एंड गयाराम। तो इसका उसको बंद करने के लिए अरुणाचल से ही शुरू करना पड़ेगा। तो हमारे सरकार आता है तो हम एक ऐसा रेजोल्यूशन शुरू करेगा, पार्टी से भी रेजोल्यूशन ले लेगा कि जो एंटी डिफेक्शन को क्लियर काट के साथ जो पाँच साल के लिए इलेक्ट करता है, 2/3 हो या 3/4 हो, वो कोई डिफेक्शन में जाना नहीं है और जो जाना चाहता है वो डायरेक्ट एमएलए को रिजाइन देके फ्रेश इलेक्शन में लड़ने के लिए उसी तैयारी के साथ ये कानून को भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन डे के उपलक्ष्य में ऊर्जा का कम इस्तेमाल कर इसे बचाए रखने के नारे लगाते हुए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अरुणोदया और गंगा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आदि के एनर्जी क्लब के बच्चों ने इस दिवस को मनाया। इसमें उनका साथ दिया अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशेंसी ने। आज है हम लोग पूरा दुनिया होल वर्ल्ड में 14 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाता है। क्यों है मीन्स हम लोग का दुनिया में एनर्जी का रिसोर्स जो है बहुत लिमिटेड है और रिसोर्स उसको हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे करेगा, कैसे बचाएगा, वो सेंस में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन डे हम लोग मनाते हैं। और उसको कैसे हम लोग मनाया जा सकता है मीन्स हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना है। अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया जा सकता है हम लोग जैसे कि आज हम लोग मना रहे 14 दिसंबर ऐसे जब मनाता है तो कोई जब हम लोग रिमाइंड करता है हाँ आज है का जैसा दिन में हम लोग एनर्जी को वी कैन कंजर्व ऐसे करके हम लोग रिमाइंड करता है। ऐसे करके हम लोग ऐसे जैसे कि उसके लिए हम लोग क्या चाहिए कुछ कोई एजेंसी चाहिए तो वो एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है उन लोग स्पॉन्सर करके अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का थ्रू से वो एजेंसी से हम लोग अरुणाचल प्रदेश में वर्ल्ड क्या बोलते हैं वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे को मनाया जाता है। वो जो है हर जगह में हम लोग को एपेडा का थ्रू से हर माने अरुणाचल का कोने कोने में हम लोग क्या है एनर्जी क्लब हम लोग बनाया गया है। तो
तो गंगा हायर सेकेंडरी स्कूल का एनर्जी क्लब का हम नोडल ऑफिसर है। हम लोग आज पूरा ये ईटानगर का ये कोना कोना में हम लोग रैली लेके गया है आदमी लोग को ये अवेयरनेस क्रिएट करने की एनर्जी लिमिटेड है, हम लोग उसको कैसे बचा के कितना लंबा तक हम लोग जीना है दुनिया में इतना लिमिटेड एनर्जी सोर्स को, जैसे स्पेशली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत सारा एनर्जी है, तो स्पेशल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कैसे बचाया जा सकता है, मीन्स हम लोग जितना ज़रूरी है उतना सिर्फ यूज़ करना है, क्योंकि एनर्जी इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक आज के दुनिया में, जैसे कि वी ऑल नो दैट ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए बिग इशू, तो इसके लिए हम लोग जैसे सर ने बोला है हम लोग जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एनर्जी को कैसे सेव करना है कैसे करना है, तो देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो उन्होंने इंडिया में ये कराता है, तो अपेदा इज स्टेट नोडल एजेंसी, तो इस लोग हम सर जैसे बोला है कि हम लोग ने जैसे पब्लिक्स को अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना है, तो उसका एक उपाय है हम लोग का, जैसे हम लोग सर जैसे बोला है कि हमारा जैसे आशा का नोडल ऑफिसर, हम लोग ने एनर्जी क्लब्स तो स्कूल्स में जैसे कि आज मना रहे स्पेशली गंगा इज वन ऑफ देम, और जैसे अरुणोदया स्कूल देन दुईमोक देन कंकड़ नाला में आज हमारा ऑफिसर्स डायरेक्टर्स डिप्टी डायरेक्टर्स लोग जा कर के हम लोग साथ में जैसे कि एक स्कूल ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ टीचर्स बहुत है देन देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, तो मतलब हम लोग का स्टूडेंट अगर है तो बहुत स्टूडेंट है अपना घर में जाके बता सकता है, दे आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, तो इसीलिए एनर्जी सेव करना है, तो हम लोग का मतलब जैसे मीडिया को भी हम रियली आई थिंक फॉर टू द मीडियाज दैट आप लोग आकर के जैसे आज अवेयरनेस के लिए हम लोग को मतलब आपका थ्रू से भी मतलब इसको ये को कॉमन पब्लिक को बताना है कि दैट एनर्जी इज अ बिग इश्यू एंड एनर्जी वी हैव टू सेव द एनर्जी अदरवाइज आवर फ्यूचर विल बी इन वेरी क्रिटिकल पोजिशन। अब आज मालूम है कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग इशू, तो उसको सेव कैसे किया जा सकता है, इसलिए कि जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स आप लोग मालूम है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ ए लिमिटेड, तो उसके बारे में मतलब हम लोग उसको कैसे सेव किया जा सकता है, तो सेव सर ने जैसे बोला है कि हम लोग सेव कैसे किया जा सकता है, मिनिमम यूटिलाइजेशन एनर्जी को और सेव थोड़ा करना है, और देयर आर सो मेनी वेज आजकल जैसे कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने क्या है कि आजकल बल्ब वगैरह में भी इतना अच्छा अच्छा एफिशिएंट बल्ब निकाला है कि मतलब कम मतलब रेटिंग में आप लाइट जितना चाहिए उतना दे सकता है, और सेम बड़ा रेटिंग में जैसे 100 वाट्स का है तो इतना रोशनी जब देगा तो हम 9 वाट्स 6 वाट इवन 3 वाट्स में भी आजकल बल्ब मिलता है, इस टाइप का मतलब देयर आर सो मेनी मीन्स टू सेव द एनर्जी, तो इसलिए हम पब्लिक को ये बोलना चाहता है कि आप सब मिलके हम देश को दुनिया को बचाना है। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, और साथ ही हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.arunachalnews247.com पर, और खबरों के साथ हम फिर लौटेंगे। नमस्कार।